नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली, जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया। जी हाँ दोस्तों, ये राशिफल आपके ग्रह नक्षत्र पर आधारित है। ये राशिफल दोस्तों आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रखने वाला है। और दोस्तों, आने वाले अगले जो ये 24 घंटे हैं, वे आपके जीवन के सबसे बेहतरीन घंटों में से एक होंगे। दोस्तों, मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि आपके कष्टों को बजरंग बली अब हरने वाले हैं और आपके ऊपर छत्र छाया बन एक साया बन के खड़े हैं खुद महाबली हनुमान जी। दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में आखिर आपको बता दें कि आपके ऊपर हनुमान जी इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, उसके पीछे का बड़ा रहस्य है, बड़ा ही राज है, और आपको किन बातों को ध्यान में रखना होगा, और दोस्तों कौन से कार्य ऐसे काम करने हैं जिससे आपके जीवन में दोस्तों भगवान बजरंग बली की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे और आपके जीवन में दोस्तों हमेशा सफलताएं आती रहीं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जीवन में भगवान बजरंग बली और भोलेनाथ, देवों के देव भोलेनाथ, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे अनमोल रत्न भेज देते हैं जिन्हें हम देख करके दोस्तों अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खुद को प्रफुल्लित कर लेते हैं, और यही खुशखबरी हमारे जीवन में अच्छी होती है। और दोस्तों, लेकिन जो ये आपके जलने वाले होते हैं, वे किसी भी प्रकार से आपको बर्बाद या फिर आपको तबाह करने के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इन गलतियों के साथ में कुछ बड़ी सावधानियां भी हैं जिसके बारे में आपको पता होना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि दोस्तों आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इसके साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ बड़े ही खास चीज़ों के बारे में बताएंगे, साथ ही दोस्तों किस प्रकार आप शिव जी की कृपा और बजरंगबली की कृपा एक साथ पा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, बिना समय लिए हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, महाबली के हनुमान जी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दें जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जो संकट आपके जीवन काल में दस्तक देने से पहले ही मन ही मन सोच लेगा कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि सनातन धर्म में सभी देवी देवताओं में से भगवान हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो कि हर भक्तों की बिगड़ी बना देते हैं और दोस्तों आपकी लाज अंत वक्त में रख लेते हैं। दोस्तों, यदि आप हनुमान जी की सच्ची आराधना करते हैं और दोस्तों उनके जीवन काल में महाबली हनुमान जी कभी भी कोई संकट, समस्याएं और बाधाएं आने नहीं देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस हनुमान जी ये कहते हैं कि आप हमेशा हम पर विश्वास रखना, तुम्हारे जीवन काल में जो भी परेशानी है, जो भी समस्याएं हैं, वे तुम्हारी नहीं हैं, अब वो मेरी हो चुकी हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ बड़ी गलतियां नहीं करनी है जो दोस्तों आपके लिए खास है। दोस्तों, ऐसी ही कुछ खास गलतियां होती हैं जो आप चाहकर के भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी जाने अनजाने में गलतियां कर देते हैं या फिर किसी के झांसे में आकर, किसी के आड़े में आकर आप ऐसी गलतियां कर देते हैं। तो दोस्तों, ये बात आप जानते हैं कि पिछले समय अंतराल में आपके जीवन काल में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और पिछले कुछ ही समय से आपके जीवन काल में ऐसी समस्या आ रही हैं जिन्हें दोस्तों आपको लगता है कि इनसे उभरना आपके लिए बहुत ही मुमकिन है। दोस्तों, हम आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि अब आपको सतर्क होना होगा और इन गलतियों को करने से बचना है जो कि दोस्तों आपने पिछले समय अंतराल में कर चुके हैं। और दोस्तों, बातों को गौर से सुनिएगा। तो दोस्तों, यदि आप बातों की जड़ तक नहीं जाएंगे तो दोस्तों कोई भी समस्या, महत्वपूर्ण समाधान आपको नहीं मिल सकती है। और दोस्तों, इन बातों को आप बिल्कुल कान में बिठाकर रख लीजिए कि दोस्तों पिछले समय में कौन से कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति हुई है, कौन से कार्यों से आपको नुकसान हुआ है और किन चीज़ों को लेकर आपको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन का आप शिकार हुए हैं, बहुत ही चिंता आपके अंदर आ गई है। दोस्तों, उन सभी चीज़ों की बारीकी से देखेंगे और कौन से कार्य आपके जीवन काल के लिए सही है और कौन से कार्य आपके लिए गलत है, इन सभी चीज़ों की दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको पता होना बेहद ही ज़रूरी है। और आपको बता दें कि आने वाले समय में जो बड़ी चीज़ें हैं और बड़ी ही अच्छे की गृह स्थिति है, जो ये फल मिलने वाला है, इस समय दोस्तों यदि आप इन सभी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आने वाली खुशियां भी आपके द्वार से लौट सकती हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आपकी सावधानियों के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको खास तौर पर 12:49 पर कभी भी नहीं करनी है।
जहाँ भी आपको सफलता मिलती है वहाँ पर आपको जाना ही पड़ेगा। ऐसी बातों का इस समय आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पर आप मुस्कुराहट बनाकर रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये आपके लिए सबसे बड़ी खूबी होती है जो कि आपके भाग्य को भी चमकाती है और आपके जो दुश्मन हैं उन्हें भी जलाता है। क्योंकि दोस्तों आप जो होते हैं अपने दुखों को किसी के सामने व्यक्त नहीं करते हैं, जिनसे दोस्तों सामने वाले को किसी प्रकार की खुशी हो। जी हाँ दोस्तों, आपके सभी दुखों को आप अंदर ही दबा के रखते हैं और चेहरे पे जो मुस्कुराहट रखते हैं इनकी वजह से दुनिया आपके रुतबे का मान लोहा मानती है। दोस्तों आपको बता देते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, नए कार्य भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उससे असफल हो जाते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बस आपको यही बता रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि आने वाले समय में आपको किन चीज़ों को लेकर सावधान रहना होगा। कार्य आपके लिए बड़े भाग्यशाली बन रहे हैं और दोस्तों नए क्षेत्र में कार्य व्यापार में नई वृद्धि मिलने वाली है। दोस्तों चाहे आप जितना भी अपने जीवन में तेज गुस्से के शांत रहें, यूँ कहें तो दोस्तों आपको अत्यंत कुदरत नहीं रहना है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि थोड़े समय के बाद में ही आप दोस्तों पुनः शांत हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस गुस्से की अवधि में कि आप लोगों को कुछ ऐसा बोल जाते हैं या फिर दोस्तों आप कुछ ना कुछ ऐसा वचन भी दे देते हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों मित्रों के साथ में घूमने फिरने पर आपको अपना समय व्यतीत नहीं करना है। कोई भी नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों इस समय युवाओं के लिए जो ये दिन होगा दिन खास और अच्छा रहने वाला है। दोस्तों आप जिस भी बात को लेंगे तो वो उसका सोना बना लेंगे। दोस्तों इस समय परिवार संबंधी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन इसकी खास तकलीफ आपको नहीं होगी। दोस्तों समाज में आपको नाम और सम्मान दोनों मिलेगा। जिन लोगों के साथ में कुछ समय में संबंध ठीक नहीं चल रहे थे उनके साथ में भी संबंध आपका अच्छा रह सकता है, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित रहेगा। दोस्तों इन दिनों में आपको शनिदेव की कृपा से नई नई जानकारियाँ हासिल करना तथा अन्य अपने दिनचर्या में शामिल करना आपके व्यवहार में आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने कार्य को अंजाम दे पाएंगे और सफलता भी आपको मिल सकती है। दोस्तों इन दिनों में आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ कार्य करने से भी सावधान रहना होगा। आप जिस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं उन्हें आपको धोखा भी दे सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आपको एक निश्चित दूरी बनाकर रखनी है। शेयर सट्टा आदि जैसे जोखिम कामों से आपको दूर रहना है और दोस्तों आपके अच्छे कर्म होने के कारण, अच्छे कर्म भाव होने के कारण और आपने पिछले समय में शनिदेव की भक्ति भाव अच्छी रखी है, शिव शंकर की भक्ति की है और बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं, उसके चलते दोस्तों आपको शनिदेव ने एक ऐसा वरदान दिया है, ऐसा चमत्कार भी होने वाला है दोस्तों, जिससे कि दोस्तों आपके जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव देखने को नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों संतान पक्ष की तरफ से इन 5 दिनों में आखिरी में एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जो आपके जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। दोस्तों आपको बता दें कि व्यापार के संबंधित क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य होने वाला है और आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि दोस्त के साथ में बात ना बिगड़े। इसके साथ ही दोस्तों परिवार के लोगों के विरोध की वजह से निर्णय में बदलाव कर लीजिए, ये आपके लिए बेहतर रह सकता है। इसके साथ ही दोस्तों लाभकारी दिन है, अपने विदेशों पर पूरा ध्यान दीजिए, अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। और दोस्तों पारिवारिक और सामाजिक गतिविधियों में भी आपको अपने निर्णय को सर्वोच्च रखना है। रिश्तेदारों के साथ में व्यवहार करते समय व्यवहार में थोड़ी सरलता रखना आवश्यक रहेगा, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और दोस्तों इतनी सारी खुशखबरी और कामयाबी के साथ में आप आगे बढ़ते रहेंगे, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आपको अपने स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा, आपके लिए समय बेहतर होने वाला है। और इसके साथ ही दोस्तों घर में भी उचित समय व्यतीत करने से पारिवारिक लोगों की खुशी में आप शामिल हो सकते हैं तथा उचित सामंजस्य भी समय बना रहेगा। प्रेम संबंधों में समय प्रवणता आने वाली है। और इसके साथ ही दोस्तों अगर आपके स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों सार्वजनिक और मानसिक तनाव हावी हो सकती है। इस समय वर्तमान नकारात्मक वातावरण से अपना बचाव जरूर करें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए इस समय बेहतर होने वाला है। दोस्तों जिस व्यक्तिगत
लक्ष्य को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसके लिए दोस्तों आपको ध्यान बढ़ाने की आवश्यक है। लक्ष्य के कारण जीवन में सुधार ला पाना संभव हो सकता है और दोस्तों अभी का समय मानसिक रूप से कठिन महसूस हो सकता है। संयम और शांति से काम लेने की आवश्यकता है, उसके लिए आपको बड़ी प्रगति भी मिल सकती है। इसके साथ ही दोस्तों हर एक व्यक्ति की अपेक्षा आपको पूरी करने की कोशिश में आपका नुकसान हो सकता है। हर एक जिम्मेदारी आगे बढ़कर निभाने की कोशिश में आपके कार्य क्षमता कम हो सकती है। आपके लिए लोगों का विश्वास भी कम हो रहा है। चुनिंदा कामों का चुनाव करके उन्हें बेहतर तरीके से आप करें। काम से संबंधित तनाव आपकी गलती की वजह से हो सकता है, इसलिए दोस्तों वक्त रहते आप अपनी गलती को सुधार लीजिए। ये आपके आने वाले दिनों के लिए काफ़ी बेहतर स्थितियां उत्पन्न करेगा। इसके साथ ही दोस्तों आपके करियर के लिए जो समय होगा, इस समय कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने से धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी और दोस्तों कार्य क्षेत्र में भी रुके हुए काम में गति आएगी। दोस्तों व्यावसायिक पार्टियों के साथ में संबंधों को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करें, क्योंकि ये संबंध आपके भविष्य में लाभदायक साबित होंगे। इसके साथ ही दोस्तों इस समय आपके करियर के लिए जो समय होगा, दोस्तों इस समय व्यवसायिक स्थल पर आपका दबदबा बना रहेगा। कर्मचारियों के साथ में आपका उचित तालमेल रहने से कार्य भी सुचारू रूप से चलते जाएंगे। दोस्तों इस समय मार्केटिंग संबंधी कार्य भी, इन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दोस्तों इस समय रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। इसके साथ ही दोस्तों इस समय आपके व्यवसाय के लिए जो समय होगा, दोस्तों इस समय व्यवसायिक दृष्टि से समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपकी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कुछ नए अनुमान भी इस समय प्राप्त होंगे और दोस्तों आर्थिक स्थिति में भी इस समय सुधार होगा। दोस्तों आपके स्वास्थ्य के लिए बात कर लें कि इस समय फालतू जो है जानवरों के साथ में छेड़छाड़ ना करें, उनके द्वारा आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी नुकसान भी इस समय हो सकता है। और इसके साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें, आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होगा, गैस या फिर कब्ज की शिकायत रह सकती है। अपने खान पान या फिर दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आपके स्वास्थ्य के लिए उचित होगा। इसके उपरांत दोस्तों आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होगा, इस समय वर्तमान नकारात्मक वातावरण से अपना बचाव करना आपके लिए अति आवश्यक होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।